मैं जोरू का गुलाम हूं। नमस्ते, मैं हूं विराट कोहली। जी हाँ, आई एम द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। जब से मैंने कैप्टनसी संभाली, मैंने बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स का पत्ता काट दिया, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो या युवराज सिंह। सब समझते हैं कि आई एम द बॉस ऑन द फील्ड। यस, दैट्स अ फैक्ट, आई एम द बॉस ऑन द फील्ड, बट ऑफ द फील्ड आई एम नॉट द बॉस। मेरी बीवी मुझे कंप्लीटली कंट्रोल करती है। मेरी बीवी है ना, वो फेमिनिस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। जब वो अपने गाड़ी के कांच रोल डाउन करके किसी और को लेक्चर दे रही होती अबाउट स्वच्छ भारत अभियान, तब मैं मोबाइल पकड़ के उसका वीडियो बना रहा होता हूँ। और जब वो हिंदूफोबिक कंटेंट सेल कर रही होती है प्रोड्यूसर बनके, तो मैं वो हिंदूफोबिक कंटेंट को सपोर्ट करता हूँ। मैं भी अब उसी की तरह सिर्फ ईद की बधाइयां देता हूँ और राम मंदिर की भूमि पूजा की बधाइयां नहीं देता। मैं क्या करूँ, मैं फेमिनिस्ट का पति हूँ, आपको मेरी दुविधा समझनी चाहिए। मैं इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन तो हूँ, मगर दैट इज ऑन द फील्ड। ऑफ द फील्ड मैं जोरू का गुलाम हूँ। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज मैं आप सबको एक श्लोक कहना चाहती हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युधानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थार्पितार्थाय संभवामि युगे युगे। जी हाँ, ये कहता है भगवान श्री कृष्ण के वचन द्वारा, ये श्लोक कहता है जो भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकला था, कि हमको धर्म की स्थापना करने के लिए और सच्चाई बाहर लाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसलिए मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि जी हाँ, मैं अगर कोई शूटिंग नहीं कर रही हूँ और मेरे पास टाइम है और मैं कुछ चीजों में दिलचस्पी ले रही हूँ, जिन चीजों से मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वीडियोस बनाती हूँ। मगर पहले जो मेरे दुश्मन थे, हेटर्स थे, जो लिबरल्स हैं, सेक्युलर्स हैं, फेमिनिस्ट हैं, वो ये सोचते थे कि मैं हिंदू मुस्लिम करती हूं अपने वीडियोस के अंदर। मगर अब जब मैं कुछ समय से सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके ऊपर वीडियोस बना रही हूं, उनका उन्हें न्याय मिले उसके ऊपर आवाज रख रही हूं, तो ये लोग कह रहे हैं कि मैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का प्रयास कर रही हूं बाय टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। तो मैं सबको इतना ही कहना चाहती हूं कि कम से कम उनको ये बात भी अपने जहन में डालनी चाहिए कि बड़े से बड़ा सुपरस्टार पैसे देके फॉलोवर्स लेता है, चाहे वो आलिया भट्ट हो या सोनम कपूर हो, चाहे वो बादशाह हो या कोई और हो, ये सारे लोग नकली फॉलोवर्स लेते हैं, प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ते हैं ये कंडीशन से कि हमको इतने फॉलोवर्स दिए जाएंगे तब हम ये प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉलोअर्स क्या असली है क्या नकली है, इस कॉन्वर्सेशन में मुझे नहीं घुसना। मगर पायल ने कभी भी पैसे देख के फॉलोअर्स नहीं खरीदे। पायल का टीम अकाउंट बना क्योंकि पायल समझती है कि फॉलोअर्स की तादाद नहीं डिसाइड करती कि पायल को कितने लोग पसंद करते हैं या नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग जो पायल को पसंद करते हैं वो शायद सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव ना हो। मगर जब से पायल ने सुशांत सिंह राजपूत पे बोलना शुरू किया है तो पायल के फॉलोअर्स यूट्यूब पर बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि पायल को फेसबुक से ब्लॉक कर दिया गया, पायल को ट्विटर से ब्लॉक कर दिया गया। तो फेसबुक और ट्विटर पे न होने के कारण पायल ज्यादातर यूट्यूब पर आती है। फेसबुक और ट्विटर पे जब पायल बोलती थी तब पायल को कोई पैसे नहीं मिलते थे, पायल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं था, क्योंकि पायल फेसबुक पे थर्ड पार्टी के वीडियोस शेयर करती थी, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन उसे अच्छी लगती थी वो उसकी टीम को बोलती थी कि आप मेरे पेज पर शेयर करिए, क्योंकि मैं सनातन धर्म को प्रमोट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे धर्म के बारे में बहुत ज्यादा गलत फहमियां फैली हुई है भारत के अंदर। पायल के फेसबुक पेज को सस्पेंड कर दिया गया जब पायल के फेसबुक पेज ने सीएए के सच्चाई रखते हुए एक वीडियो शेयर किया, जहां पर एक मुस्लिम औरत कह रही थी कि कैसे वो पुलिस अफसर को झूठ पुलिस अफसर पर झूठा इल्जाम लगा रही थी कि पुलिस अफसर ने उसे पत्थर से मारा और उसका सर तोड़ा। पायल का ट्विटर इसलिए ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि पायल ने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर आवाज उठाई। पायल ट्विटर से तो पैसे बिल्कुल भी नहीं कमा रही थी क्योंकि ट्विटर पे तो मोनेटाइजेशन का बटन भी नहीं है, फेसबुक पे मोनेटाइजेशन का बटन है, मगर पायल का फेसबुक कभी मोनेटाइज्ड नहीं हुआ था क्योंकि पायल थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन अपने फेसबुक पे ज्यादा शेयर करती थी।
अब पायल यूट्यूब पर आई है। जी हाँ, पायल का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज्ड है, मगर पायल का यूट्यूब चैनल वो उन वीडियोस के ऊपर एड नहीं रन करता जिन वीडियोस के ऊपर मर्डर, हिंदू मुस्लिम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो वीडियोस की मोनेटाइजेशन लिमिटेड होती है, उन वीडियोस के ऊपर एड्स नहीं प्ले किए जाते। ये मैं सभी लोगों से कह रही हूँ जो मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मैं सीधी बात करती हूँ। आई बिलीव इन नो बकवास सीधी बात। तो पायल के जो वीडियोस हैं, जो वीडियोस काफी फेमस हो गए हैं, एंड जिनमें से सबसे ज्यादा फेमस वीडियो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर मेरा मर्डर का खुलासा वाला वीडियो है, उस वीडियो के ऊपर लिमिटेड मोनेटाइजेशन है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मर्डर शब्द का प्रयोग किया गया है इन द टाइटल। पायल को कॉपीराइट क्लेम का हक है ऑन ऑल दिस पीपल जो पायल के वीडियोस का प्रयोग करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, जो मीडिया आउटलेट्स हैं, न्यूज आउटलेट्स हैं, जो पायल के वीडियोस यूज करते हैं फ्रॉम हर इंस्टाग्राम एंड हर यूट्यूब विदाउट अ रिटन ऑफिशियल परमिशन, पायल हैज अ राइट टू गिव देम कॉपीराइट क्लेम लीगली। बट पायल ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि पायल समझती है कि अगर वो दो पैसे कमा रहे हैं या वो सच में इंफॉर्मेशन देने के लिए पायल के वीडियोस शेयर कर रहे हैं तो उनको ये करने दो, बिकॉज हम सब एक साथ जुड़कर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत चाहते हैं। ये मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ सभी लोगों से जो पायल को मनी माइंडेड कहते हैं। पायल देखिए, अमिताभ बच्चन पायल के फादर नहीं है। पायल के फादर ने अपनी जिंदगी में जो कमाया वो कमाकर वो अब रिटायर्ड इंसान है। पायल अपने पैसे खुद कमाती है। पायल एक हार्ड वर्किंग औरत है। पायल अगर एक यूट्यूब चैनल पर आती है और इंफॉर्मेशन के थ्रू एथिकली पैसे कमाना चाहती है तो पायल को वो राइट है। पायल पॉन करके पैसे नहीं कमाती है। पायल देश को बेच के पैसे नहीं कमाती है। पायल वो करती है जो लीगली अलाउड है भारत के अंदर। YouTube इज अलाउड इन भारत एंड YouTube के नॉर्म्स और रेगुलेशंस के हिसाब से पायल वीडियोस बनाती है। ना तो पायल कोई अश्लील फोटोग्राफ्स YouTube पे डालती है या ना कोई अश्लील वीडियोस डालती है। पायल सिर्फ खुद बातचीत मोनोलॉग द्वारा करती है अपने फॉलोअर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए। कभी अगर उससे इंफॉर्मेशन गलत शेयर हो जाती है तो उसे वो रेक्टिफाई करती है आने वाले वीडियोस में। मगर पायल को राइट है भारत के अंदर लीगली पैसे कमाने का, क्योंकि पायल एक हार्ड वर्किंग औरत है। भारत के अंदर पॉर्न बैन है, मगर पॉर्न एक्ट्रेस जो एक वेबसाइट पे पॉर्न करती है वो भारत में आती है और उसको एकता कपूर और महेश भट्ट टाइप्स इज्जत देते हैं ये कहकर कि वो कुछ नया कर रही है। एक्सक्यूज मी, कैमरा के ऊपर सेक्स करके पैसा कमाना अच्छी बात लगती है आप जैसे हेटर्स, लिबरल्स और सेक्युलर्स को, तो ये आपकी सोच है। पायल अगर इज्जत से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करके अपने बलबूते पे अगर दो पैसे कमाती भी है YouTube से, तो इसमें आप लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? रही बात कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर सेंसेशनल क्लेम्स करती हूँ, जी नहीं, मैंने कोई भी सेंसेशनल क्लेम्स नहीं किया है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के ऊपर। मैंने खाली इंफॉर्मेशन शेयर करी है जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वाया ईमेल। मैंने आदित्य ठाकरे जी का एंगल विद दिशा सेलियन और जो पार्टी का एंगल है उसे एक्सेप्ट नहीं किया इन माई लास्ट वीडियोज, क्योंकि मुझे उसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं दिखा। बट कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ऑब्वियसली इस केस को रफा दफा करने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने नेपोटिज्म का एंगल पकड़ा या नहीं पकड़ा ये उनका हेडेक है, मगर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एज अ सुसाइड डिसमिस करने का प्रयास किया फ्रॉम डे वन। अब जो लोग कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को मीडिया ट्रायल नहीं फेस करना चाहिए, मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूं कि आप लोग कहां हैं जब मीडिया ट्रायल फेस करते हैं बाकी लोग जो अगर बीजेपी से जुड़े होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप लोग अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को वर्डिक्ट देना चाहिए अगेंस्ट मीडिया ट्रायल, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करते हैं। जी हाँ, फेमिनिस्ट ने ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो मैं उन फेमिनिस्ट को कहती हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रज्ञा ठाकुर निर्दोष है और प्रज्ञा ठाकुर का कोई रोल नहीं है इन टेररिस्ट एक्टिविटीज, तब आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राम जन्मभूमि राम मंदिर के ट्रस्ट वालों को दे देना चाहिए बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजंस, एंड ये केस जीतने के बाद अगर हिंदू लोग अपना राम मंदिर बनाते हैं उस जगह पर, तो आप तब सुप्रीम कोर्ट के वर्जन को क्वेश्चन करते हैं। मगर आज आप मीडिया ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट को टैग करके कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू टेक इनटू अकाउंट
वाई मीडिया ट्रायल इज हैपनिंग फॉर फॉर रिया चक्रवर्ती. तो आप लोगों का दोगलापन तो मैं एक्सपोज करूंगी. जी हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं लीगली आप लोगों का दोगलापन एक्सपोज करूं, क्योंकि यहां पर मैंने सुना है कि सुशांत के पेरेंट्स ने भी एक 9 पेज का लेटर रिलीज किया है, जहां पर वो कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल उनके सन, उनके भाई की मौत के साथ किया जा रहा है बाय मुंबई सरकार एंड मुंबई पुलिस एंड द मीडिया ऑल ओवर इंडिया. तो उनको राइट है जस्टिस का. अगर परिवार बोले तो प्रॉब्लम, अगर परिवार न बोले तो प्रॉब्लम. तो आप लिबरल्स और फेमिनिस्ट डिसाइड कर रही है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्योंकि आप लोग दोगले रख रहे हैं. हम लोग दोगले नहीं रख रहे. हमने कभी नहीं बोला कि भैया सुशांत को न्याय ना मिले. हम सुशांत के न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने उनको न्याय न मिले उसके लिए शुरुआत से ही सिर्फ सुसाइड की स्टोरी प्रमोट करी. क्यों उन्होंने अबेटमेंट सुसाइड कंसिडरेशन में नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुंबई पुलिस के डीसीपी त्रिमुखे जी रिया चक्रवर्ती को अच्छी तरह जानते थे. ये कहकर मैं सब लोगों के जो डाउट्स थे अबाउट मी टॉकिंग ऑन यूट्यूब उसको आई थिंक क्लोज करती हूँ. फॉर वंस एंड फॉर ऑल, आई हैव अ राइट टू लाइफ, आई हैव अ राइट टू अर्न मनी रिस्पेक्टफुली विदाउट डूइंग एनीथिंग अनलॉफुल इन माय कंट्री व्हिच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और ओवर व्हाट हैज हैपेंड. द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन इक्वल राइट्स टू डॉटर्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर फादर्स, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी गिफ्ट है जन्माष्टमी की, बिकॉज दिस प्रूव्स जेंडर इक्वालिटी. बट जेंडर इक्वालिटी के अनुसार मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक आयोग है, पुरुष आयोग, जिसका आप लोगों को समर्थन करना चाहिए. स्पेशली द मेन to join this organization foundation. It is run by Barkha Trihan. Now Barkha Trihan is somebody I know through a common friend, and wo जेंडर इक्वालिटी की बात करती है जहां मेन राइट्स की बात आती है. अगर हम डॉटर को इक्वल प्रॉपर्टी मिल रही है अपने फादर के प्रॉपर्टी के अंदर, इक्वल शेयर मिल रहा है अपने फादर की प्रॉपर्टी के अंदर, और हम रिजॉइस होते हैं. क्यों? क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग और इक्वल वुमेन हैं. उसी तरह से हमें मेन को भी इक्वल राइट्स देना चाहिए टू गेट जस्टिस. ज़ायरा वसीम ने ऑब्वियसली जो ड्रामा किया, वो ड्रामा करने के बाद उसने तो बॉलीवुड छोड़ दिया. कभी जब वो नींद से जागती है तो एक या दो ट्वीट कर देती है, मगर वो आदमी जिसके ऊपर उसने इल्जाम लगाया, उस आदमी के पासपोर्ट के ऊपर तो चाइल्ड अब्यूजर का ठप्पा लग गया ना. सो दिस इज रॉन्ग. जब तक आप एक गिल्टी को प्रूव नहीं करते एज अ गिल्टी, वो इनोसेंट है. मगर हमारे देश भारत के अंदर, वो सरबजीत का केस लो, सरबजीत जहां भी जाता है उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि उसने वो लड़की को छेड़ा था जो दिल्ली के क्रॉसरोड्स पे हुआ था. वो लड़की तो भाग गई यूएस या किधर और, मगर वो लड़का जो इंडिया में है वो बार बार कोर्ट के चक्कर खाता है. सो पुरुष आयोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट फाइट्स फॉर इक्वल राइट्स फॉर मेन शुड बी encouraged, and you all should visit Purush Aayog ka whatever websites and everything. I hope you are able to find the links, relevant links to that, kyunki main unke sath jald hi interview karne wali hu, because ye pura Riya ka drama dekhkar mujhe lagta hai ki jis tarah se feminist ab Riya ke samarthan mein aayi hain aur ye keh rahi hai ki Supreme Court should shut down the media trial related to Riya Chakravarti. तो सुप्रीम कोर्ट की अगर सारी बातें आप मानते हो, तो आपने प्रज्ञा ठाकुर का जो बरी किया गया वर्डिक्ट था उसको क्यों नहीं माना? आपने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ओवर राम जन्मभूमि क्यों नहीं मांगा? तब आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के खिलाफ है. एक्सक्यूज मी, चित भी आपकी पट भी आपकी, ऐसा नहीं हो सकता. दिस इज फॉर ऑल दोस फेमिनिस्ट एंड लिबरल्स जो समझते हैं कि वो कुछ भी करेंगे तो अलाउड होगा, क्योंकि अभी सिर्फ उनका नैरेटिव नहीं चलता, हमारा नैरेटिव भी चलता है क्योंकि हम बोलने लगे हैं. अब रिया चक्रवर्ती के वीडियोस हैं, जब वो इंटरव्यू दे रही थी, जब जस्सी गिल सिंगर के साथ वो कोई अपना म्यूजिक वीडियो प्रमोट करने गई थी, एंड इन दोज इंटरव्यूज शी हैज कम अक्रॉस एज अ डोमिनेटिंग पर्सनालिटी. वो उस समय सुशांत सिंह राजपूत को डेट कर रही थी, बट शी हैड डिसमिस्ड रूमर्स एज व्हाटएवर फ्रेंडशिप. एंड उसने उस समय ये भी कहा था दैट लड़कियां उसके ऊपर करती है. जी हाँ, उसने कहा था कि विमेन यूजुअली फ्लर्ट विद हर. तो मुझे नहीं पता ये मोलेस्टेशन वाली कहानी जो रिया चक्रवर्ती प्रमोट कर रही थी इन रिगार्ड्स टू सुशांत सिस्टर, क्या वो उसकी इमेजिनेशन थी या ये क्या वो उसकी फेक इमेजिनेशन थी, क्योंकि वो शायद ऐसी फेक इमेजिनेशन रखती हो. एंड शी हैज ऑब्वियसली यूज दिस एज अ माइंड गेम टू मेक हर एंट्री इन सुशांत हाउस. अब बात करते हैं, सुशांत के फादर ने सबसे पहले जब अबेटमेंट टू सुसाइड का केस फाइल किया था, तब उस
उसने उन्होंने कहा था कि उनके सन को इश्यू था विद द मीडिया ट्रायल दैट हैपेंड विद दिशा सेलियन डेथ, क्योंकि दिशा सेलियन की डेथ की वजह से मीडिया ने सुशांत का नाम उसके डेथ से जोड़कर उसके सन को काफी स्ट्रेस पहुंचाया, और उस समय उसके सन ने रिया को कांटेक्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि रिया वाज द पर्सन हु कनेक्टेड दिशा सेलियन टू सुशांत सिंह राजपूत टू हैंडल हिज वर्क. सो दैट इज द फर्स्ट टाइम दिशा सेलियन्स नेम गॉट अटैच टू सुशांत सिंह राजपूत बाय द फैमिली. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, क्योंकि ये लोग जो अभी मुंबई पुलिस को सपोर्ट करते हैं वो अभी फैमिली के खिलाफ गए हैं और फैमिली के निजी रिश्तों के ऊपर कमेंट कर रहे हैं. वो कोई नहीं होते ये सब करने वाले, क्योंकि एक आदमी ने अपना बाप खोया है, एक बहन ने अपना भाई खोया है. दे हैव अ राइट टू जस्टिस, क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से फैमिलीज को मैन्युपुलेट नहीं कर सकते हैं. ये मैंने पहले भी कहा है. अच्छा, मुंबई पुलिस ने पहले कहा था कि उन्होंने सुसाइड एंगल पे बिलीव किया, क्योंकि सिस्टर का वर्डिक्ट था. मैंने एक न्यू चैनल, एक न्यू यूट्यूब चैनल क्राइम तक पे सुना था, उनके एंकर ने बोला था कि मुंबई पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी टुवर्ड्स अबेटमेंट टू सुसाइड, क्योंकि सिस्टर का वर्जन था और सिस्टर ने हैंगिंग बॉडी देखी थी. अब मुझे न्यूज मिली है कि सिस्टर ने हैंगिंग बॉडी नहीं देखी थी, सिस्टर को तभी रूम में घुसने दिया था जब बॉडी को नीचे उतार दिया गया था. दैट इज द वर्जन दैट हैज कम फ्रॉम द फैमिली राइट नाउ. तो मुंबई पुलिस, आपने ये झूठा बयान क्यों दिया कि सिस्टर ने हैंगिंग बॉडी देखी थी? तो कहीं ना कहीं या तो आप ऑब्वियसली ट्रुथ को डिरेल करने का प्रयास कर रहे थे, या आप किसी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं जो शायद सुशांत के मर्डर इन्वॉल्व था. ये मैं खाली कह रही हूं ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स एंड द एफआईआर जो फैमिली ने दर्ज करी है. रिया चक्रवर्ती, जिसकी सालाना इनकम एज पर ईडी इज अराउंड 18 लाख इन द पास्ट, उसने हायर इन्वेस्टमेंट्स करी है इन प्रॉपर्टी. उनके फादर जो एक रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है, उनकी पेंशन है 1 लाख पर महीने. तो ये जो खानदान है जो ऑब्वियसली 1 लाख पर महीने की आमदनी रखता है, और रिया ऑब्वियसली इतनी कोई बड़ी स्टार है ही नहीं, इनफैक्ट वो स्टार ही नहीं थी जब तक ये पूरा सुशांत का डेथ इंसिडेंट बाहर नहीं आया, तो उसने ये प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कैसे करी. एंड ऑब्वियसली ये सब दिखाता है कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है. सुशांत का मनी हैज बीन यूज्ड और मिसयूज्ड बाय रिया चक्रवर्ती, बिकॉज दैट इज हाउ शी टुक सुशांत इन हर लाइफ एज अ क्रेडिट कार्ड मशीन. एक और ईमेल मुझे आया है जो कहता है कि जब निशान, जो गोल निशान था नेक्स्ट टू द लिगेचर सर्कुलर मार्क, दैट कैन बी कॉज ड्यू टू अ स्टन गन. यस, इट हैज अ स्टन गन और अ टेजर इलेक्ट्रिकल बर्न मार्क. दैट इज अ टेजर इलेक्ट्रिकल बर्न मार्क और अ स्टन गन मार्क. अब कौन स्टन गन को ओन करता है बॉम्बे के अंदर इन द फ्रेंड सर्कल ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. बट दिस यू नो स्टन गन मार्क और द इलेक्ट्रिकल बर्न मार्क, टेजर इलेक्ट्रिकल बर्न मार्क की वजह से उनका हाफ फेस पैरालाइज लग रहा था. टू पीपल हु सॉ सुशांत सिंह राजपूत्स फोटोग्राफ, अदर पीपल हु आर इन यूएस एंड हिज फैंस, एंड दैट इज कॉल्ड एज बेल्स पैलसी. एंड इसलिए उनका फेस, उनको लगता है फैंस को कि दैट इज वाई इट वॉज डेविएटेड टू द राइट एज द लेफ्ट साइड इज पैरालाइज एंड ऑल्सो द लेफ्ट आई इज ओपन. And it will not close because the seventh cranial nerve, facial nerve was paralyzed by the shock. तो अभी ये सब चीजें सुशांत के फैंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि फोटोग्राफ्स और वीडियोज सुशांत की बॉडी के वायरल हुए थे. एवरीबडी हैज अ फ्रीडम टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मगर यहां पर आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच इफ इट लीड्स टू सम काइंड ऑफ अर्निंग देन इट इज देयर प्रेरोगेटिव. एक्सक्यूज मी, यहां पर भारत के अंदर अगर न्यूज चैनल्स सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर न्यूज चलाते हैं तो उनको एड्स और एंडोर्समेंट्स भी मिलती है उनके डिबेट्स में और शोज में. पायल डिबेट्स और शोज में जाती है, पायल को कोई पैसे नहीं मिलते इन डिबेट्स और शोज में जाने के लिए. पायल जाती है क्योंकि पायल को अपनी ओपिनियन रखनी होती है ऑन अ पर्टिकुलर मैटर. टेलीविजन न्यूज चैनल्स और डिबेट्स जो होते हैं उनको स्पॉन्सर किया जाता है, और अगर आप देखें तो टाइम्स नाउ का चैनल हो या कोई दूसरा चैनल हो, सब बैठ के अपने चैनल को नंबर वन कह रहे होते हैं. सबने सुशांत
की न्यूज के ऊपर ये कहा है कि हमारे चैनल ने ये न्यूज एक्सक्लूसिव निकाली है, हमारा चैनल नंबर वन चैनल है, तो उनका ये एडवर्टाइजिंग करना और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर पैसा कमाना सही है, मगर अगर पायल रोहतगी अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर इंफॉर्मेशन शेयर करे, क्यों? क्योंकि उसका फेसबुक और ट्विटर ब्लॉक कर दिया गया है, एंड फेसबुक पे वो वीडियोज बनाती थी, ट्विटर पे वो अपने विचार लिखती थी, अब उसके पास सिर्फ ऑप्शन है यूट्यूब की, क्योंकि इंस्टाग्राम से वो इतने लाइव वीडियोज नहीं बनाना चाहती, क्योंकि इंस्टाग्राम इज अ सिस्टर कंसर्न ऑफ फेसबुक। तब पायल के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि पायल जो सच के ऊपर अपनी सच के साथ अपनी आवाज रखना चाहती है वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसको अपना महीने का बिल भरना है। पायल के महीने का बिल भरने के लिए बहुत टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पायल, मैंने पहले भी बोला, भिखारी नहीं है। पायल हैज बीन इंटेलिजेंट इन हर लाइफ, शी हैज इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टीज, शी नोज व्हेन टू स्पेंड एंड व्हेन नॉट टू स्पेंड। मगर आप मेरे पे ऐसा इल्जाम लगाते हैं जैसे आप लोग समझते हैं कि बाकी दुनिया के अंदर जो लोग फाउंडेशन के थ्रू डोनेशन लेते हैं, डिप्रेशन वाली फाउंडेशन या बीइंग ह्यूमन वाली फाउंडेशन या माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प करने के बाद जो उनकी इमेजिंग होती है, चाहे वो अपना खुद का पैसा लगाए या नहीं लगाए, तो सब लोग जो भी करते हैं ये करके करते हैं कि आगे जाके उनकी लाइफ में एक पाथ हो जिस पाथ से वो लीगली लोगों को हेल्प कर सके। मगर आप समझते हैं कि लोगों को ऑब्वियसली, अगर वो लोग पायल रोहतगी है तो उसे कोई राइट ही नहीं है लाइफ में पैसे कमाने का, तो ये आपका मिस इंफॉर्मेशन है। पायल हैज अ राइट टू अर्न मनी एंड अ राइट टू अ गुड लाइफ, बट पायल हैज अ राइट टू डू दैट लीगल। पायल कोई भी लीगल लॉज तोड़ नहीं रही है बाय मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, मगर आप लोग जब पायल के व्यूज से सेटिस्फाइड नहीं होते तो पायल के ऊपर इल्जाम डालते हैं कि पायल इज डूइंग हिंदू मुस्लिम, एंड जब आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सुन के हिल जाते हैं, तब आप ये बोलते हैं कि पायल ऑब्वियसली सुशांत सिंह की मौत से पब्लिसिटी चाहती है। पायल लोगों की हिपोक्रेसी एक्सपोज कर रही है। पायल को डर नहीं लगता कि इस मुहिम में अमिताभ बच्चन हो या विराट कोहली हो या माधुरी दीक्षित हो या सोनाक्षी सिन्हा हो या दीपिका पादुकोण हो या प्रियंका चोपड़ा हो या सलमान खान हो, कोई पायल का घर नहीं चलाता। पायल को अगर उनकी हिपोक्रेसी दिखती है, पायल बोलती है। अगर आप लोगों को पायल की हिपोक्रेसी दिखती है तो आपको कोई रोक नहीं रहा है पायल के ऊपर वीडियोज बनाने के लिए। तो ये कहकर मैं अपना वीडियो खत्म करती हूं, एंड लेट्स होप दैट द सुप्रीम कोर्ट गिव्स अ प्रॉपर वर्डिक्ट एंड अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स इन सुशांत सिंह राजपूत अननेचुरल डेथ। नमस्ते।